अस्सलाम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ग्रेड कैप टेस्ट है। ठीक है, हमने ग्रेड सीएसएस को शुरू किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा आज का ट्यूटोरियल जो है वो थर्ड है। इसके अंदर हम आज करने वाले हैं कि ग्रेड के अंदर हम गैप किस तरह लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसके हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। जो फर्स्ट पे है ग्रेड कैप, उसको हम कहते हैं शोर्ट हैंड, यानी कि इसके अंदर हम जो है पहले रोज की वैल्यू लिखेंगे, देन हम कॉलम की वैल्यू लिखेंगे। जो हमारे पास सेकेंड वैल्यू है वो है ग्रेड कैप कॉलम है। ठीक है, और जो थर्ड वैल्यू है आपके पास वो है ग्रेड रो कैप। ठीक है, तो आप इसी को इसी तरह लिखेंगे और आप इसके अंदर पिक्सल वगैरह में वैल्यू देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया ग्रेड, ठीक है, देन आप यहाँ पे लेंगे रो, देन आप यहाँ पे लेंगे गैप। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू देंगे, मैंने यहाँ पे लिया 40 पिक्सल, तो सेव किया और यहाँ पे आगे इसको मैंने रन किया। ये देखिए, ये आपको रोज के अंदर जो है वो गैप नजर आ रहा है। ठीक है, आप इसी तरह से कॉलम के अंदर भी गैप दे सकते हैं। वो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे जस्ट आना है, यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रेड, ठीक है, कॉलम गैप। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया 50 पिक्सल, इसको सेव किया और यहाँ पे जाके रन किया। आप देखें, आपके पास यहाँ पे कॉलम के अंदर भी गैप आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे यूज कर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 20 किया और यहाँ पे मैंने 10 कर दिया। ठीक है, इसको सेव किया और अब हमने इसको रन किया तो ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा गैप है यहाँ। इसको अगर हम एक ही वे में यूज करने का भी यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट हैंड इसका। ठीक है, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड के अंदर आप यहाँ पे लेंगे गैप। ठीक है, और इसके अंदर आप देंगे यहाँ पे पहले रोज की वैल्यू देंगे, आपने तो देनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दी 30 पिक्सल, उसके बाद आप कॉलम की वैल्यू देंगे और वो हमने दी 20 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ से अभी जो बाकी टू वैल्यूज हैं आप इसको यहाँ से कर दें रिमूव। ठीक है, मैंने रिमूव कर दी, इसको सेव किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको रन किया। ये देखेंगे आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ चुकी है। ठीक है, तो आप इसका शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी समझ आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें और इस तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें।